ये एआरके प्लस कॉक 25 एमएम, इसकी इनलेट और आउटलेट 25 एमएम है, 1 इंच यानी कि इसमें ये एरो दिया है। हम जब इसको फिट करेंगे इसकी एरो डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए, ये साइड ओवरहेड टैंक की साइड और ये कुमोट में जाना चाहिए, पाइप में ऐसे फिट करेंगे। जब हम इसको पुश करेंगे तो वाटर फ्लो होगा, जब तक हम इसको पुश करके रखेंगे तो पानी वाटर फ्लो करेगा और हाथ हटा देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। बस तो हमने पीस को फिट किया उस टाइम ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जिससे कि ये लीक हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। अब हमने खोल के देखा कि इसकी सीट के नीचे ओवरहेड टैंक से कोई कचरा आ गया है, जिसकी वजह से कि ये सीट प्रॉपर बंद नहीं हो रही, इसलिए लीकेज आ रहा है। और दूसरा लीकेज का कारण ये भी हो सकता है कि इसकी जो रबड़ वाशर है ये अगर ये डैमेज हो जाए तब भी यहाँ से लीक आएगा, और ये जाली रबड़ और रिंग है जो जाली के ऊपर है ब्लैक वाला, अगर ये कट जाए तब भी यहाँ से इस कंडीशन में लीक आएगा। सर जो कट गई थी कचरा आने की वजह से, और जाली रबड़ और रिंग नहीं डाल दी है, अब इसको लगा के देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अब हमने इसको चला के देखा कि अब इसमें लीकेज नहीं है, जैसे कि पहले पानी आ रहा था, यानी कि इसकी जो सीट वाशर और जाली रबड़ ओरिंग था वो हमने चेंज कर दिया है, वो चेंज करने से ये अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने इसको ऑपरेट करके देखा तो ये बोनट ओरिंग से लीकेज है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जाली प्रॉपर टाइट नहीं है या इसका बोनट रबड़ ओरिंग कट गया। फोन कर दिया, अब ऑपरेट कर। अब हमने बोनट टाइट करने के बाद बोनट टाइट करने के बाद हमने देखा कि ये लीकेज रुक गई है, इसका मतलब ये है कि बोनट लूज था। यदि स्पिंडल के टॉप साइड से लीकेज आती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये बोकी वाशर होती हैं ये डैमेज हैं, इनको रिप्लेस कर दो और दोबारा डाल दो तो ये ठीक हो जाएगी। बड़े में दिखेगा नहीं, फिर भी इसमें हमारा है लोगो नहीं है। चलो इनको हमें जहाँ पर प्रेशर इसका 1 bar तक हो वहाँ फिट करना चाहिए। इसको जैसे मल्टी स्टोरीज है ग्राउंड फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इसको टॉप स्टोरी में ही फिट करना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में ये ऑपरेट ही नहीं होगी। तो 3 पुश टाइप थी, ये 356 है, ये लीवर लोडेड है, वो पुश ऑपरेट होती थी ऐसे और ये लीवर से ऑपरेट होती है। इसमें असेंबली सेम है, लीकेज पॉइंट भी सेम है और फिटिंग भी सेम है इसमें, और वो हम 1 bar तक प्रेशर पे फिट कर सकते थे, ये 1.5 bar तक प्रेशर हो सकती है। बताया था कि ये एरो डाउनवर्ड होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर गलती से ये एरो ऊपर की तरफ फिट हो जाता है तो हमने देखना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमने इसको चला के देखा कि जो एरो था वो ऊपर की तरफ है तो ये लीकेज को नहीं रोक पा रहा है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है कि एरो नीचे की तरफ ही होना चाहिए।